कहत कबीर सुनो भाई साधो। संत कबीर जी ने अपने इस दोहे में पानी से मोती बनने का उदाहरण देते हुए समझाया है कि आम मनुष्य भी इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकता है। संत कबीर जी का यह दोहा इस प्रकार है, खाला नाला हिम जल सो फिर पानी होए, जो पानी मोती भया सो फिर नीर न होए। संत कबीर जी बताते हैं खाला नाला तथा बर्फ का पानी फिर से पानी हो जाता है, अर्थात पानी किसी भी रूप में होने के बाद भी पानी ही रहता है, लेकिन जो पानी सीप में जाकर मोती बन जाता है वह दोबारा कभी भी पानी नहीं बनता। कहने का भाव है कि जब मनुष्य का अहम भाव आत्मा में विलीन हो जाता है तब उस मनुष्य में वह मैं भाव दोबारा कभी नहीं आता। इस प्रकार वह मनुष्य जीवन मरण के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी पर संत कबीर जी ने कहा है, खाला नाला हिम जल सो फिर पानी होए, जो पानी मोती भया सो फिर नीर न होए।